हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत पहले से स्टार्ट करूंगी। तो पहले मैं हमेशा हेयर करती हूँ, बट आज मैं करूंगी पहले फेस, मतलब फेस नहीं, फेस प्रेप पहले कर लेती हूँ और उसको थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम देते हैं, उसी टाइम पे मैं हेयर स्टाइल कर लूंगी। तो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ मैं फेस वॉश करके आई हूँ। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ की लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट स्टोनर। मैं बहुत ही जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा की तरह मैं जितना भी जल्दी उठूँ, जितना भी जल्दी जो भी कुछ करूँ, मेकअप के टाइम पे मेरा टाइम ही नहीं रहता है। और अभी मैं ये ना सूखे उसी टाइम में मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रीजना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल। ये मॉइस्चराइज़र है, बट गर्मी के टाइम पे हेवी मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा स्किन जो है ऑयली हो जाता है। तो ये जेल बेस है, तो आप कोई भी जेल बेस कंसिस्टेंसी में कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। आप अगर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। और आज मैं विदाउट फाउंडेशन एक अच्छा मेकअप लुक क्रिएट करूंगी, जो आप दिन के टाइम में क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत 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 गर्मी हो रही है, अष्टमी के दिन है, बट फिर भी मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि बाहर जाऊँगी तो अगर बहुत ज़्यादा स्वेट होगा तो फिर पिघलने लगेगा ही। जितना भी आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करो या फिर जो भी कुछ करो, और सेटिंग स्प्रे यूज़ करने से मुझे बहुत गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और रात के टाइम में ज़्यादा यूज़ करती हूँ और विंटर टाइम में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इसको थोड़ा सेट होने के लिए देते हैं, और उसी बीच में मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन। तो ये है लॉरियल यूवी प्रोटेक्ट सुपर एक्वा एसेंस, ये एक सनस्क्रीन है जो कि मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। कान पे अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसको थोड़ा सेटल डाउन होने देते हैं 10 मिनट के लिए, और तब तक मैं हेयर कर लूंगी। तो आज मैं साइड पार्टीशन करूंगी, कुछ ऐसा ही हेयर स्टाइल करने का मन है। हेयर कॉम अच्छे से मैंने कर लिया, बट मैं एक चीज भूल गई, लिप को मॉइस्चराइज करना। तो मैं लिप मॉइस्चराइजर के लिए यूज करूंगी लेनेज का लिप स्लिपिंग मास्क, लेनेज और समथिंग। क्या करूं, इस साइड करूं या फिर इस साइड करूं? नहीं, इस साइड करते हैं। तो मैं बहुत ही डिफरेंट सा एक हेयर बन करना चाहती हूँ, देखते हैं कितना होता है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसको मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे पहले साइड पार्टीशन कर लिया है, और साइड पार्टीशन करने के बाद मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रैंड्स लिया है, छोटा छोटा स्ट्रैंड्स मैंने लिया है, और यहाँ पे मैं ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दूंगी। और जैसे कि नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं, वैसे ही मैं 2 या 3 बार ब्रेड बना लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें करूँगी, मैं यहाँ पर फ्रेंच ब्रेड बनाऊँगी। तो फ्रेंच ब्रेड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार एक साइड से अगर साइड पार्टीशन करते हैं तो एक साइड का ही स्ट्रैंड लेते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं दोनों साइड का स्ट्रैंड्स लूँगी। मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा रही हूँ, देखिए मैं ऊपर से भी एक स्ट्रैंड्स ले रही हूँ और नीचे से भी स्ट्रैंड्स ले रही हूँ, ऐसे करके मैं फुल
बालों पे अपना फ्रेंच ब्रेड जो है वो बना लूँगी। एक बार इधर साइड से लूँगी, एक बार उधर साइड से लूँगी। तो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मेरा लंबा लंबे बाल है तो इसलिए बहुत ही हाथ भी दुख रहा था मुझे। फ्रैंकली स्पीकिंग तो ये हेयर स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लगा एक्चुअली। अब जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मुझे क्लियर आइडिया मिल गया है कि ऐसे करके मैं कैसे अच्छे एक हेयर स्टाइल बना सकती हूँ। ये साइड पार्टीशन करके नहीं होगा। अगर आप ये हेयर स्टाइल फॉलो करते हो तो मेक श्योर कीजिएगा ये जो फ्रेंच ब्रेड मैंने बनाया है, फ्रेंच ब्रेड बनाने के बाद आप साइड लोअर बन कीजिए तो ये बहुत अच्छा टर्न आउट होगा। तो मैं साइड लोअर बन करना नहीं चाहती थी। आप लोग देखोगे कि बाद में मैंने कैसा एक लुक दिया है। ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो कि अष्टमी में मैंने कैसा लुक क्रिएट किया था। तो वैसा एक 90s का एक हेयर स्टाइल बनाने के चक्कर में मैंने ये गलती कर दिया है यहाँ पे। बट जैसे कि मेरा अभी तक सिचुएशन है, ये सिचुएशन आने के बाद यहाँ पे मैं नॉर्मल ब्रेड बना रही हूँ। ये पूरा ख़त्म हो जाने के बाद जहाँ पे मेरा बाल पूरा ख़त्म हो जा रहा है वहाँ पे आने के बाद ये नॉर्मल ब्रेड मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रेड बना के साइड लोअर बन कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे उसके बाद एक रबर बैंड की मदद से ये सिक्योर कर लिया और थोड़ा सा बालों को खोल रही हूँ थोड़ा सा मेसी लुक देने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया कि मैंने कैसे इसको स्टाइल किया है, जो कि मैंने ऑफ कैमरा की है क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैंने पहले वो हेयर को लेके एक साइड में यहाँ पे क्लिप लगाया है और बाकी का जो है मैंने बीच में घुसा दिया है कैसे भी करके। तो आप ऐसे मैं ऐसा लुक देना चाहती थी। लुक मेरा आ गया है बट नीट नहीं हुआ, इस बात का दुख है। तो बट ये लुक मैं फिर से एक बार रिक्रिएट करूँगी, मतलब ये हेयर स्टाइल, लुक नहीं बोलूँगी मैं, ये हेयर स्टाइल फिर से एक बार रिक्रिएट करूँगी। तब मैं प्रॉपर तरीके से मेरा दिमाग आ गया है दिमाग में कि कैसे होना चाहिए ये, तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से ये लुक क्रिएट होगा। तो बट लुक जो है लुक काफ़ी अच्छा आया है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। सो फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने हेयर स्टाइल बनाया है बट फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा सा क्लीन लुक नहीं दे रहा था। तो मैंने बहुत सेटिंग स्प्रे से ऑफ कैमरा ट्राई किया है और फिर मैंने एक गजरा दे दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे थोड़ा। तो आप लोग देखो, तो अभी ना थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है और प्रेजेंटेबल भी लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक, मतलब ऐसा ही शेप में चाहती थी बट मतलब ये गजरा देने नहीं वाली थी। फिर मैं सोच रही थी कि अष्टमी है थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच भी हो जाएगा तो अच्छा ही होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये गया, तो अभी मैं फेस तो मेरा पूरा सेट हो गया है, अभी मैं करूँगी फुल मेकअप। तो मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, पहले ही बता दिया, और प्राइमर भी मैं यूज़ नहीं करूँगी और मैं उसके बदले यूज़ करूँगी लूज पाउडर। तो आपके पास अगर कॉम्पैक्ट पाउडर है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। मिरर तो दिए जाओ ना, भूले गई थी मैं। क्योंकि मेरा स्किन में अभी कोई भी स्पॉट वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आपके स्किन में स्पॉट या फिर कुछ है तो आप थोड़ा सा कंसीलर यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं यूज करूंगी ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं आज यूज करूंगी पिंक शेड यूज करती हूँ, ये तीन शेड यूज करती हूँ मैं। और सिर्फ थोड़ा सा हाइलाइटर,
सो यूजुअल जो एरिया होती है हाईलाइट करने के लिए वो सब जगह मैंने हाईलाइट कर ली है. तो फेस मेकअप मेरा डन है, सिर्फ अभी जाएंगे आईज के ऊपर. तो मैं पहनूंगी पिंक कलर की एक साड़ी. तो मैं एक ब्रश लेती हूँ और पिंक कलर की जो ये शेड है और ये शेड है, यहाँ पे प्लेस करूंगी एंड क्रीज के ऊपर ब्लेंड करूंगी. डे टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी. और जो ये शेड है ये पिंक में ही और एक शेड है, मैं सेम ब्रश ही यूज कर रही हूँ, अभी ब्रश चेंज भी नहीं करूंगी. सामने में पूरे आईलिड पे इसको हम लोग प्लेस करेंगे. और सेम ब्रश की मदद से जो भी है जो भी प्रोडक्ट है उससे हम लोग लोअर लैश लाइन पे यूज कर लेंगे. और अभी मैं थोड़ा डार्क शेड लेती हूँ, ये दो शेड आउटर कॉर्नर एंड क्रीज को थोड़ा सा डार्क करने के लिए, दैट्स इट. बाद में मैं सब कुछ एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूंगी. सो दैट्स इट, मेरा आई शेडो हो गया है. अभी मैं लगाऊंगी आईलाइनर. तो आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूं जेल आईलाइनर. मैं एक विंग क्रिएट करूंगी. मैं नीचे कोई काजल यूज नहीं करूंगी, तो मैं इस आई में भी कर लेती हूँ. सो दोनों आईज में मैंने आईलाइनर लगा लिया है. अभी मस्कारा की बारी. तो मैं मेबलिन की कॉलोसल मस्कारा यूज कर रही हूँ. तो मस्कारा लगा लिया है, यहाँ पे थोड़ा मस्कारा लग गया है, बट इसको कुछ नहीं करेंगे अभी. जब सूख जाएगा उस टाइम पे मैं इसको रिमूव कर लूंगी बहुत इजीली से. आप लोग सोच रहे होंगे मैं नीचे देख के क्या कर रही हूँ. मैं जब भी मेकअप करती हूँ, जब भी कुछ भी करती हूँ, एट द सेम टाइम समेटती भी रहती हूँ ताकि फैले ना ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता है. और मेरा बाकी है सिर्फ अपना आईब्राउज. और लिप्स के लिए मैं आज यूज़ करूँगी पिंक कलर की एक लिपस्टिक. ये फेसेस कनाडा का ऑल टाइम प्रो HD लिक्विड लिपस्टिक मलबारी मैजिक. जब भी मैं मेकअप ट्यूटोरियल करती हूँ यही लिपस्टिक शायद ज़्यादातर यूज़ करती हूँ.
तो एक स्वीज ब्यूटी का मैंने लिप लाइनर यूज़ कर लिया है, आसानी होती है। सो दैट्स इट, मैं रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ, साड़ी पहन के रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। तो दिस इज़ माय फुल लुक, मैं एक बार फुल लुक दिखाऊंगी। तो मैंने ये इयरिंग पहनी है, एक स्टेटमेंट इयरिंग पहनी है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कोई बिंदी यूज़ नहीं किया है, बिंदी यूज़ करके देख रही थी कि अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना चाहती थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया। और ये क्रॉप टॉप के साथ मैंने यहाँ पे एक लखनऊ चिकनकारी जो पिंक कलर की साड़ी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा वो, ये देखिए चूड़ियाँ मैच करता हुआ पिंक एंड वाइट कलर में ही है। और यहाँ पे वाइट कलर की मोती का दो चूड़ी मैंने पहन लिया है, इस हाथ में मैंने कुछ नहीं पहनी है। तो दिस इज़ माय फुल लुक, और ये लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, मैं जैसा चाहती थी वैसा ही टर्न आउट हुआ है। जो मेरा हेयर स्टाइल है मैं उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, बट फिर भी लुक वैसा ही आया जैसा मैंने सोचा था। तो फुल लुक एक बार दिखा देती हूँ।